हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जांगिड़ फैमिली। सो आज देखिए, आज हम लेके आए हैं साउथ इंडियन डिश का रेसिपी। तो आज हम डोसा बनाएंगे और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है डोसा। तो ये बहुत अच्छा बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चावल और दाल को भिगो लिया था, 2 घंटे भिगोया है मैंने। यहाँ पे चना दाल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए ऐसे तोड़ के देखेंगे ना दाल को, तो देखिए नाखून की मदद से टूट रहा है। ऐसे ही चावल को देख लीजिए, चावल भी टूट रहा है, देखिए देखिए। तो ऐसे ये सॉफ्ट हो चुका है अभी, देखिए अपने आप ही टूट रहा है। तो अभी इसका पानी निकाल देंगे हम, चावल का और दाल का दोनों का पानी निकाल लेंगे। देखिए फूल के कितना अच्छा हो गया है। और अभी चावल का और दाल का पेस्ट बना लेंगे। एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे, आप पहले दाल या पहले चावल कुछ भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले चावल पीस रही हूँ। अभी हम चावल का पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार तो मैं ऐसे ही चलाऊंगी, फिर पानी तो डालना ही है क्योंकि पानी के बिना तो पेस्ट बनेगा नहीं। तो यहाँ पे एक बार तो मैं ऐसे ही चला रही हूँ, फिर बाद में पानी डालेंगे थोड़ा। देखिए यहाँ पे थोड़ा चला लिया मैंने और अभी देखते हैं इसको कैसा पिसा है। देखिए देखिए पिस तो रहा है, लेकिन अभी इसमें पेस्ट बनाने के लिए पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें, और पानी डाल के अभी चलाएंगे इसको तो पेस्ट बन जाएगा। तो वह हमारा पेस्ट तैयार कर लेते हैं, और तब तक हम पेस्ट तैयार करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा रेसिपी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो देखिए पानी डालने से पेस्ट बन गया है। अभी इसको चम्मच से चेक कर लेते हैं मोटा है कि, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, ऊपर से तो सॉफ्ट ही दिख रहा है, लेकिन चम्मच से चेक कर लेंगे ना, ऐसे तो पता चल जाएगा मोटा है कि पतला है, पिस चुका है एकदम से या नहीं। तो यहाँ पे देखिए चम्मच पे थोड़े मोटे मोटे दाने आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और चलाएंगे मिक्सी को, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही मोटे मोटे दाने आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी फिर से देख लेंगे एक बार, ये देखिए अब की बार पेस्ट बन चुका है। तो हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए। अभी देखने में तो लग रहा है कि एकदम बारीक हो गया है, लेकिन जैसे हाथ से छुएंगे ना तो एकदम हल्का सा दाना महसूस होगा इसमें। तो बस ऐसा ही पेस्ट चाहिए हमको। तो चावल के पेस्ट को बर्तन में निकाल लेंगे देखिए, और यहाँ पे दाल को इसी जार में डाल के, धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी जार में डाल के दाल का भी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा पानी डाल लेंगे दाल में, ताकि अच्छे से पिस जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के एक बार चलाएंगे और फिर इसमें दही डालेंगे। दही डालने से ना डोसा का टेस्ट भी अच्छा आता है और सॉफ्टनेस भी आती है डोसे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चला के देख लेंगे, देखिए देखिए दाल आधा पिसा है मैं अभी, तो अभी और पीसना है। तो अभी यहाँ पे हम इसमें दही डाल लेते हैं, तो अभी दही डाल के पीसेंगे इसको। दही मैं घर में बनाया हुआ यूज कर रही हूँ, खट्टा नहीं है ज़्यादा। तो ये देखिए घर का बनाया हुआ दही है। तो अभी दही डाल के फिर से मिक्सी को चला लेंगे, फिर दाल का
पेस्ट बन जाएगा अच्छे से। देखिए देखिए दाल का भी पेस्ट बन चुका है। अभी इसको इसी में जैसे ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। तो अभी हम जो चावल का पेस्ट निकाला था उसी बर्तन में इसको भी निकाल लेंगे। ऐसे करके निकाल लेंगे यहाँ पे और दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से चम्मच की मदद से। देखिए मिक्स होके थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि अकेले चावल का तो एकदम वाइट था और अभी दाल का डाला है तो देखिए थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे पेस्ट एकदम सही है लेकिन थोड़ा सा जो जार में दाल बचा हुआ ना वो भी थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के वो निकाल लिया है मैंने। देखिए अभी ये पेस्ट परफेक्ट है डोसे के लिए। तो अभी इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। ये देखिए चम्मच में मेरा थोड़ा सा लाल मिर्ची लगा हुआ था वो भी आ गया इसमें, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको ढक के रख देंगे। और यहाँ पे डोसे के अंदर में लगाने के लिए हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं, अभी हल्का सा गर्म हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। फिर हम इसमें दो खड़ा लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़े सरसों के दाने ले रही हूँ क्योंकि इसमें सरसों के दाने का और कड़ी पत्ते का टेस्ट ही अच्छा आता है। तो ये देखिए ये कड़ी पत्ते डाल दिए मैंने। अभी तीन कटा हुआ हरी मिर्च है ये डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसमें हम सरसों के दाने और कड़ी पत्ता डाल रहे हैं ना, इसी का टेस्ट आता है वो डोसे में सबसे अच्छा। तो यहाँ पे ये अदरक डाल रही हूँ मैं थोड़ा, और यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है, लहसुन प्याज के बिना ही बना रही हूँ। तो थोड़ा सा अदरक सीख जाए। फिर इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे यहाँ पे। ये देखिए टमाटर बारीक कट करके ले लिया है मैंने। तो अभी टमाटर को थोड़ा सेक लेंगे अच्छे से, टमाटर को आलू डालने से पहले ही पकाएंगे, नहीं तो आलू डालने के बाद ये टमाटर का ऐसे पकेगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ मैं ताकि कलर अच्छा है, और हल्का सा यहाँ पे नमक भी डाल देंगे एक पिंच जितना, बाकी नमक बाद में डालेंगे ताकि यहाँ पे डाल देंगे ना तो टमाटर अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे एक पिंच छोटा सा डाल देंगे नमक का। तो अभी थोड़ा सेकेंगे तो टमाटर एकदम से गल जाएगा नमक में। देखिए टमाटर हमारा पक चुका है। तो यहाँ पे आलू हमने बॉईल करके रखा है वो डाल देंगे ऐसे मैश करके डाल देंगे आलू को, और अभी चम्मच से मिला लेंगे इसको, हल्के हल्के हाथ से दबाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि मसाला आलू के अंदर भी चला जाएगा और जो बड़ा बड़ा आलू है वो भी मैश हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार, और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्ची ले रही हूँ मैं। अभी इसको मिक्स कर लेंगे वैसे ही दबा दबा के ताकि नमक मिर्ची भी आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए एकदम बाजार जैसा मसाला लग रहा है ना, बाजार में जब हम डोसा खाते हैं तो ऐसे ही येलो येलो मसाला होता है ना डोसे के अंदर में, और खुशबू भी इतना अच्छा आ रहा है ना इसका। देखिए
मसाला बनके तैयार है हमारा। गैस को बंद कर देंगे और मसाला को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने कच्चा नारियल लिया है। नारियल को मैंने छील के ले लिया है, छिलका पूरा निकाल दिया है नारियल का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे नारियल को, ताकि पीसने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा नारियल को ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। और डोसे के साथ नारियल का चटनी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं नारियल का चटनी बना रही हूँ। देखिए नारियल हमारा कद्दूकस हो चुका है पूरा, छिलका निकाल दिया है, तो देखिए एकदम वाइट अच्छा लग रहा है। नहीं तो छिलका होने से वो बीच बीच में वो छिलके का कलर आता है, और चटनी में भी फिर वो छिलके का कलर आता है। तो यहाँ पे छिलका निकाल देने से ही ठीक है। तो ये मूंगफली के दाने ले रही हूँ मैं। मूंगफली के दाने को मैंने सेक के और इसका भी छिलका निकाल लिया है। अभी इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे। दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पे, थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें। देखिए तीन हरी मिर्च लिया है मैंने, तो यहाँ पे ये डाल देंगे इसमें। अभी एक नींबू निचोड़ना हमको इसमें, ताकि इसका अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा बाद में। तो यहाँ पे एक नींबू लिया मैंने, नींबू का रस डाल दिया चटनी में। तो चटनी हमारा पीस चुका है, देखिए कितना अच्छा चटनी लग रहा है। देखिए चटनी हमारा पीस चुका है, हल्का सा गाढ़ा है, लेकिन जैसे ये पेस्ट को बर्तन में निकाल लेंगे ना, तो मिक्सी में भी थोड़ा रह जाता है, तो फिर उसी में पानी डाल के हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा पानी जाने के बाद में एकदम परफेक्ट चटनी बन चुका है। अभी चटनी में हम छोंक देंगे। तो यहाँ पे तेल लिया मैंने, तो इसमें ये देखिए सरसों के दाने डाले हैं, दाने डालते ही कैसे आग पकड़ गया। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है मैंने, यहाँ पे एक साबुत लाल मिर्ची डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे ये लाल मिर्ची का पाउडर ले रही हूँ, ताकि अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। ये देखिए छोंक हमारा तैयार है। अभी इसको चटनी में डाल देंगे और चटनी में डाल के इसको ढक देंगे। देखिए अभी इसका कलर भी एकदम अच्छा सा हो जाएगा, और छोंक देने के बाद में चटनी का टेस्ट भी अलग ही हो जाता है। ये देखिए अभी इसको मिक्स कर देंगे चटनी में। देखिए चटनी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी हम बनाते हैं डोसे। तो यहाँ पे ये बैटर लिया मैंने, इसमें अभी ये मीठा सोडा डाल देंगे, और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बैटर बना हुआ है हमारा, और वो जैसे पहले ही बना के छोड़ दिया था ना, तो फिर और भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो अभी ये लोहे के तवे पर ही बना रही हूँ मैं, बाकी कोई अलग से डोसा तवा वो सब नहीं ले रही हूँ, लोहे के तवे पे ही बना के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बनेगा इसी पर ही। और ये मेरा डेली यूज़ का तवा है, ये नहीं कि मैं कोई स्पेशल ले रही हूँ डोसे के लिए, ये डेली यूज़ के लिए है। रोटी भी मैं इसी पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस पर ऑयल डाल लिया है गर्म करके। अभी इसको टिश्यू पेपर से थोड़ा पोंछ लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पे आ जाए। देखिए अभी इस पर पानी डाल लेंगे थोड़ा, और गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। अभी पानी को भी पोंछ लेते हैं टिश्यू से, ताकि तवा हमारा साफ हो जाएगा एकदम से।
पानी डालने से तवे का टेम्परेचर भी एकदम बराबर हो जाता है, एकदम सही हो जाता है, जो हमें डोसा बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे गैस को मैंने बंद कर दिया है, पहले डोसा फैलाएंगे और उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कटोरी की मदद से ही मैं डोसे को फैला रही हूँ ऐसे करके, फैला लेंगे डोसे को। तो यहाँ पे अभी गैस को ऑन कर देंगे और देखिए सिकना तैयार हो चुका है डोसा हमारा। और अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद है। तो ऐसे डोसे के बाहर से लगा देंगे, डोसा सिक रहा हमारा, देखिए बीच में से ब्राउन ब्राउन दिखने लग गया है। तो अभी गैस को थोड़ा कम कर लेंगे, नहीं तो डोसा जलने का वो रहेगा, थोड़ा नीचे से ज़्यादा काला हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस को थोड़ा कम कर लेंगे, कम करके सेकेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे डोसा लगभग हमारा सीख चुका है। तो यहाँ पे जो मसाला हमने बनाया है वो हम लगा देंगे ऐसे मैं बीच में ही लगा रही हूँ थोड़ा, आप डोसे पे पूरे पे भी फैला सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो ऐसे पूरे पे भी फैला सकते हैं, बीच में भी हल्का सा लगा के रख सकते हैं, या फिर ऐसे जैसे मैं फैला रही हूँ लंबा ऐसे भी फैला सकते हैं, वो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अभी देखिए डोसा हमारा पक चुका है, अभी इसको उठा के दिखाती हूँ मैं कैसा सिका है। ये देखिए लग रहा ना एकदम बाजार जैसा, तो बाजार में खाते हैं उसका भी तो ऐसा ही कलर होता है ना। ये देखिए एकदम से कितना अच्छा, कितना मुलायम, कितना कड़क, देखिए कितना अच्छा डोसा बन के तैयार हुआ ना। यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे, देखिए डोसा हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। तो अब गैस को अभी अभी बंद किया है तो तवा गर्म ही है, तो इसी पे हम पानी डालेंगे और वैसे ही टिश्यू से थोड़ा साफ़ कर लेंगे ताकि तवा भी साफ़ हो जाएगा और जो पानी वानी एक्स्ट्रा है जो वो निकल जाएगा। तो ऐसे करके पेस्ट डालेंगे अभी इस पे, और वही कटोरी की मदद से फैला लेंगे। देखिए ऐसे करके हल्के हल्के हाथ से, अगर दबा के करेंगे तो डोसा नीचे से उठ के आएगा। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से डोसे का बैटर को फैलाना है। देखें तो ये सिक रहा डोसा हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल या घी डाल लेंगे और ऐसे ही बीच में मसाला लगाएंगे और मसाला लगा के दोनों साइड से पलट लेंगे। डोसा सीख चुका है हमारा। यहाँ पे देखिए मसाले को अच्छे से सेट कर देंगे। अभी पलट लेंगे डोसे को, देखिए, और ये आसानी से उतर जाता है, ऐसे नहीं है कि ये, क्योंकि हम पहले से ऑयल लगा लेते हैं ना तवे पे, तो ये आसानी से उतर जाता है। तो देखिए ये डोसा भी हमारा बन के तैयार है। ये देखिए बीच में से थोड़ा ज़्यादा ही सिक चुका है, क्योंकि गैस को मैं कम करना भूल गई थी, बाद में कम किया तो हल्का सा ज़्यादा सिक गया नीचे से बीच में से, लेकिन अच्छा ही बना है फिर भी। तो देखिए ऐसे ही करके सब डोसे हम बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखिए
जैसे जैसे सीखेगा ना अपने आप ही तवा छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा थोड़ा छोटा साइज का है, अगर यहाँ पे आपके पास बड़ा तवा है तो पूरे पे फैला दीजिए, बड़ा बन जाएगा। तो ये देखिए घर में बना हुआ डोसा तैयार है। तो आज का मेरा रेसिपी वीडियो कैसा लगा आप सबको? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं कोई नई रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक रेसिपी को ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बाय दोस्तों।